मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, पेड़ से लटका मिला 5 दिन पुराना विवाहिता का शव, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का किया सम्मान, मुख्य बाजार का किया दौरा, जाति कोरोना सुरक्षा, जिले में अव्वल रही बालिकाओं का किया बहुमान, महिला के साथ अभद्र व्यवहार पर मेल नर्स को किया एपीओ, सरूपगंज में पिलाया रोग प्रतिरोधक आयुष काढ़ा, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का जताया विरोध, आर्ट ऑफ लिविंग मनाएगा ऑनलाइन सीन, शिव भारती ग्रुप कर रहा प्रतिदिन गो सेवा। अब समाचार विस्तार से। पेड़ से लटका मिला 5 दिन पुराना विवाहिता का शव। लई केवट की रिपोर्ट के अनुसार डेरी गांव के समीप थलापली में एक विवाहिता का शव पेड़ पर लटके मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है, जिस पर गांव के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच कर शव को नीचे उतरवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के लिए आवरण मॉर्चरी में भेजा। पुलिस ने बताया कि विवाहिता लीला पत्नी रमेश ग्रासिया उम्र 22 वर्ष थलापली निवासी है। पुलिस के अनुसार शव 4 से 5 दिन पुराना है। वहीं प्रथम दृष्टया से विवाहिता द्वारा फांसी खाना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा विवाहिता के फांसी खाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस द्वारा परिवार के लोगों व ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का किया सम्मान। लई केवट की रिपोर्ट के अनुसार अग्रवाल जागृति मंच द्वारा इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं में 90% व इससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। मंच के प्रशांत जैन ने बताया कि ऐसे प्रतिभावान बच्चों का मंच के सदस्यों द्वारा उनके घर जाकर माला व शील्ड प्रदान कर सम्मान किया एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं वैदिक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमन शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों का विद्यालय में 12वीं का रिजल्ट 100% रहा है। प्रधानाचार्य शर्मा ने बताया कि कक्षा 12वीं कला वर्ग में कुल 39 छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें 30 छात्राएं प्रथम श्रेणी और 9 छात्राएं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। विद्यालय स्तर पर दीपांशी ने 88% अंक के साथ प्रथम, पूर्वा ने 87% अंक के साथ द्वितीय और रेखा ने 86% अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य बाजार का किया दौरा, जांची कोरोना सुरक्षा। लई केवट की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बाद अनलॉक 1 के नियमों के तहत बाजार खोलने के साथ मास्क पहनना व दुकानों में आ रहे ग्राहकों के नाम पते लिख कर रखना आदि नियमों के तहत दुकानें व मुख्य बाजार खोले गए हैं, जिसके क्रम में मंगलवार को आवरण नगर पालिका अधिशासी अधिकारी त्रिगमदान चारण अपने कर्मचारियों के साथ मुख्य बाजार में जांच करने निकले। अधिशासी अधिकारी चारण द्वारा हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, किराना, सब्जी दुकानदारों के पंजीयन रजिस्टर की जांच की, साथ ही मुख्य बाजार में बिना मास्क पहने व्यापार कर रहे दुकानदारों के चालान भी बनाए। इस दौरान अधिशासी अधिकारी चारण ने कोरोना को हराने के लिए मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करने व गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। जिले में अव्वल रही बालिकाओं का किया बहुमान। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले के कक्षा 12वीं कला संकाय के परीक्षा परिणाम में अव्वल रही बालिकाओं का विद्यालय परिवार ने बहुमान किया। प्रधानाचार्य हीरा खत्री ने बताया कि 12वीं कला वर्ग में अव्वल तीनों बालिकाओं का विद्यालय परिवार ने बहुमान किया है। इस दौरान भव्या बाफना व पूजा कुमारी सुथार ने संयुक्त रूप से पहला स्थान और 93.20% अंक प्राप्त किए व द्वितीय स्थान पर अल्पा कुमारी मीणा के 92.20% अंक हासिल किए हैं। वहीं विद्यालय में कुल 104 विद्यार्थी ने इसमें 54 प्रथम व 44 द्वितीय व 4 तृतीय श्रेणी से विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तीनों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल व समस्त गुरुजनों की पढ़ाई, सहयोग, परामर्श को सफलता की पहली सीढ़ी बताई है। खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर।
पत्र व्यवहार पर मेल नर्स को किया एपीओ। ईश्वर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलगंज में एक मेल नर्स द्वारा नंदी बालिका का पैर की ड्रेसिंग करवाने हेतु आने के दौरान महिला के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर जन समय न्यूज चैनल पर चलने के बाद चिकित्सा विभाग ने मेल नर्स को एपीओ किया। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे शहर के खारियावास निवासी रहना बानो अपनी 4 वर्षीय पुत्री आरजू के पैर में कोई चोट पहुंचने से उसमें भराव होने से चिकित्सालय पहुंची थी, जहां डॉक्टर ने उन्हें दवाई एवं ड्रेसिंग के लिए सिर्फ पर लिखा था। वहीं अस्पताल में कार्यरत मेल नर्स बनवारी लाल से पूछने पर उसने उसके साथ अभद्रता शब्दों का प्रयोग करते हुए अस्पताल से बाहर निकलने के शब्द कहे। इस पर सिलगंज चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोपाल सिंह ने मेल नर्स बनवारी लाल को एपीओ किया है। सरूपगंज में पिलाया रोग प्रतिरोधक आयुष काढ़ा। माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार आयुर्वेदिक विभाग सिरोही के उप निदेशक डॉक्टर शांता लाल मीणा के निर्देशानुसार सरूपगंज कस्बे के मीनावास में कंपाउंडर राजेंद्र कुमार की देखरेख में श्याम आयुर्वेदिक औषधि भंडार पर 3 दिवसीय आयुष काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोविड-19 बीमारी को देखते हुए 21 जुलाई से काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम सरूपगंज कस्बे में रखा गया। 3 दिवसीय काढ़ा पिलाने में पहले दिन तकरीबन 2000 लोगों को आयुष काढ़ा पिलाया। काढ़ा पिलाते समय सरकारी की गाइडलाइन के अनुसार मुंह पर मास्क, सैनिटाइजर का छिड़काव और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का जताया विरोध। भारतीय जवान की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मजदूर संघ व राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, श्रम कल्याण मंत्री टीकाराम जूली व जिला कलेक्टर शिरोई को ज्ञापन भेजकर सेठ कल्याण जी परमानंद पीटी शिरोई पर समुचित कार्रवाई करने की मांग की। संगठन के नेतृत्व करता अध्यक्ष देलवाड़ा पीठी संघ डूंगर सिंह को स्थानांतरित करके वेतन रोककर, महंगाई भत्ता रोककर, पीढ़ी पदाधिकारियों द्वारा मानसिक यातना देकर आवास की समस्या बढ़ाने के साथ अनेक गतिविधियों से पीढ़ी पदाधिकारियों द्वारा पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री सुरेश कुमार प्रजापत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन देकर पीढ़ी के पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई की पुरजोर मांग की है। आर्ट ऑफ लिविंग मनाएगा ऑनलाइन तीज। लई कैमर की रिपोर्ट के अनुसार आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण हम लोग घर पर ही रहकर अपने तीज त्योहार मना सकते हैं। ऑनलाइन महोत्सव इस तरह का यह पहला सेलिब्रेशन है। इस उत्सव में भाग लेने वाली सखियों के लिए शोला श्रृंगार की प्रतियोगिता एवं शायरी व डांस की भी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। इस उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक महेश शर्मा ने बताया कि हमारे जीवन पर त्योहारों और उत्सवों का बहुत प्रभाव पड़ता है। शिव भारती ग्रुप कर रहा प्रतिदिन गो सेवा। सिलगंज से किशोर राजा की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में फैली कोरोना जैसी महामारी के चलते क्षेत्र में पशुओं एवं पक्षियों के बचाव के हितार्थ हेतु सेवा भारती ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग जगह चारा चुक्का इत्यादि की निशुल्क व्यवस्था गौशाला में भामाशाह के सहयोग से कर प्रतिदिन 1 ट्रॉली चारा एवं चुग्गा भेंट किया जा रहा है। शिव भारती ग्रुप के खंड प्रमुख किशोर भाटी ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच पशु पक्षियों के बचाव हेतु अभी तक दानदाताओं के सहयोग से 45 ट्रॉली गौशालाओं में चारा वितरित हो चुका है। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।